मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन हम किसके द्वारा करेंगे? बाय पार्ट्स के द्वारा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होगा कि जब दो फंक्शन अपने पास y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स इस टाइप से होते हैं, मतलब जब दो फंक्शन किस में होते हैं मल्टीप्लाई, और इनका आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन करना होता है तो इस टाइप से जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन हम किसके द्वारा करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फंक्शनों में से अपन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आप यूज करोगे आईलेट। आईलेट का मतलब होता है ILATE। आईलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो इनमें आता कौन सा है, जैसे इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में आपके पास आएगा जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एल, एल का मतलब क्या होता है, लॉग, जिनमें क्या हो लॉग हो, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से वो वाले कौन से फंक्शन हो जाएंगे, लॉग। ए, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन से थे, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन मीन्स जिसमें एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, जिसमें क्या हो एक्स के टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन, ये वाले फंक्शन क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई, ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर वाले, तो एक्स, ई की पावर माइनस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आईलेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इनमें से जैसे मान लो अपने पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है मान लो इनवर्स फंक्शन और एक दे रखा है एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक और इनवर्स फंक्शन में से अगर आपसे बोला जाएगा फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, तो आप मानो किसको फर्स्ट, पहले क्या कौन आ रहा है, इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो इनवर्स वाले फंक्शन को क्या मानोगे आप, फर्स्ट मानोगे, और एलजेब्रिक वाले फंक्शन को क्या मानोगे आप, सेकंड। अगर आपसे बोला जाता है जैसे मान लो दो फंक्शन है, एक है लॉग और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल में एल पहले आ रहा है, तो एल वाले फंक्शन को क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे, और एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को क्या मानोगे, सेकंड मानोगे। तो इस समय इस तरीके से अपन क्या चूज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब जैसे सपोज दैट मेरे पास इस फंक्शन को मान लिया मैंने फर्स्ट, और इस वाले जी एस फंक्शन को मान लिया मैंने सेकंड, तो इन दोनों का क्या करना है, अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या था ये फर्स्ट और ये जी एक्स कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। सपोज दैट आपने इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया फर्स्ट, और इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया आपने, सेकंड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट इनटू जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, किसका, फर्स्ट वाले फंक्शन का, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। मींस फर्स्ट फंक्शन,
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का वो सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी जगह पर मैं फर्स्ट रख सकता हूँ, फर्स्ट की जगह पर फर्स्ट क्या है अपना एफ एक्स रख दिया, सेकंड क्या है जीएक्स, जीएक्स का क्या करना होता है आपको इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो डी अपॉन डी एक्स कौन सा एफ एक्स मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो पहले आपको क्या क्या चूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट क्या होता था, जैसे आई लेट आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन इसमें है नहीं, एल का मतलब लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन भी नहीं है, ए का मतलब क्या होता है एलजेब्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक फंक्शन है क्या एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या मान लोगे आप फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकंड, इसको क्या मान लोगे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बस, तो पुट कर दो इसमें, तो पुट करोगे तो देखो कैसे हो क्या होगा, क्या होता है क्या फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन रख दो। पहले क्या रखना है फर्स्ट एफ एक्स, ये क्या था अपने पास मान लिया एफ एक्स और ये क्या है आपके पास जी एक्स, तो इसको किसकी जगह पर रख दोगे एफ एक्स की जगह पर और इसको किसकी जगह पर रख दोगे जी एक्स की जगह पर, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर अगेन होल का इंटीग्रेशन, इस तरीके से करूंगा। तो करो अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस के कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, फिर अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन, इस तरीके से करना है। तो देखो आप क्या करोगे, करो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकाल लो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स, तो माइनस को भी मैं बाहर निकाल देता हूं, ये क्या हो जाता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो यहां पर भी क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर भी आपके पास देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब भी दो फंक्शन दिख रहे हैं तो क्या करोगे आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करोगे, तो यहां पर वही आई लेट आई का मतलब क्या होता है इनवर्स फंक्शन नहीं है, एल का मतलब लॉग फंक्शन नहीं है, ए का मतलब एलजेब्रिक क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स को क्या मान लोगे फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकंड, फिर आगे उसी में पुट करो तो ये क्या चलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स प्लस क्या होता था क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इस टू को बाहर निकाल लेता हूँ कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट क्या है एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। फिर अगेन ऑल का ये इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब यहां से सॉल्व करो, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के टू एक्स साइन एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई साइन एक्स करो तो साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, और लास्ट में क्या जा जाता है प्लस का सी। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू का बाहरी रहने दो, और ये क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, इस तरीके से क्या करना है उत्तर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जब दो फंक्शन आपके पास में किसमें हो मल्टीप्लाई में होते हैं तब आप क्या यूज करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, वाई इक्वल टू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और इसका क्या करना है आपको पास इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, क्योंकि आपके पास दो फंक्शन किस में आ गए मल्टीप्लाई में आ गए, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो क्या किससे करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन देखेंगे कि फर्स्ट कौन सा है और ये सेकंड कौन सा है। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए क्या करोगे आई लेट यूज करेंगे, तो आई लेट, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो इस में पहले आएगा वही किसी को क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। अब देखो इसमें आई इनवर्स फंक्शन है क्या, नहीं है इसमें। एल, एल का मतलब लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन है क्या, है इसमें। इसको क्या मान लोगे आप फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकेंड, ठीक है। इसको क्या मान लोगे फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकेंड। आप देखो रख दो, क्या था अपने पास फॉर्मूला क्या था बताओ, क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है लॉग एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड क्या है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, रख देता हूं पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस। आप क्या करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या, तो क्या करना है डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स किसका लॉग एक्स का, ठीक है। मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स और ये इंटीग्रेशन, ये रह दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है लॉग एक्स ही रहने दो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर टू है तो टू की टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन कितना हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन इसका एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस। अब लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन एक्स,
एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या होता है कि एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और ये फिर अगेन इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये केस में मल्टीप्लाई में इस वाली एक्स से एक एक्स कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि ये केस में अपॉन में और ये केस में ऊपर है, इससे कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या रह गया ये बताओ, लॉग एक्स एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस यहां पर क्या रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री का, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री रह गया, तो अगेन इंटीग्रेशन करो तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा लखो लॉग एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, इसका क्या हो जाएगा वन बाई थ्री तो पहले से ही है, और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास सी, और थ्री का थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास क्या लॉग एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है आपके पास एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन नाइन, प्लस का क्या आ जाएगा सी, यही क्या हो गया आपके पास आंसर। ये क्या हो गया कि जब दो फंक्शन किसमें होते हैं मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वो सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग एक्स, नोट डाउन करो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई फंक्शन है तो मल्टीप्लाई फंक्शन में किस तरीके से लगाते हैं आईलेट फंक्शन लगाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ये इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करना है। तो अब बताओ आप किस तरीके से करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करोगे, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किससे चूज करते हैं आईलेट से, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आईलेट से, तो देखो आईलेट से इसमें कौन सा वाला फंक्शन आ रहा है आई इनवर्स फंक्शन है क्या नहीं है, लॉग फंक्शन है क्या नहीं है, एलजेब्रिक फंक्शन है क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या मान लो गया फर्स्ट, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है और ये क्या एक्सपोनेंशियल, तो ए पहले आ रहा है इसलिए एक्सपोनेंशियल को क्या मानोगे सेकेंड, तो इसको क्या मान लोगे फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन क्या है ई की पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स आपने सेकेंड क्यों माना है, क्योंकि ई की पावर एक्स कहां आ रहा है सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ए क्या आ रहा है ई से पहले आ रहा है, इसलिए अपन ने क्या माना है ए एक्स एलजेब्रिक फंक्शन को क्या माना है फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को क्या माना है सेकेंड। अब बताओ फर्स्ट का सेकंड मान लिया, अब पुट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई बराबर क्या होगा क्या फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन फिर सबका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, और फिर अगेन होल का क्या करना है इन दोनों का इंटीग्रेशन ये करना है। अब देखो
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन, तो देखो अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो वही फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो x क्या है एलजेब्रिक फंक्शन, और a की पावर x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फर्स्ट किसको मानोगे एलजेब्रिक फंक्शन को, क्योंकि क्या है a पहले आता है, इसलिए x को क्या मान लोगे आप फर्स्ट मान लोगे, और e की पावर x को क्या मानोगे आप सेकंड फंक्शन, इसको क्या मान लिया आपने फर्स्ट और इसको क्या मान लिया आपने सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, क्या था अपने पास रूल, इस टू को तो बाहर निकाल लो, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट क्या है एक्स और ई की पावर एक्स क्या है सेकंड, तो इसका क्या करना है इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट क्या है एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, और ई की पावर एक्स का क्या होगा करना है इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो देखो करो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वन का मल्टीपल ई की पावर एक्स करोगे तो ई की पावर एक्स रहेगा, अब ई की पावर एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, रख दो क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, ये क्या हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ये प्लस का सी, इस माइनस टू से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपके पास। इसी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू ई की पावर एक्स और ये प्लस का सी, ये क्या आ जाता है आपके पास आंसर, ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो उतारो नोट डाउन करो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x ई की पावर x या x log x, नेक्स्ट क्वेश्चन है x log x, x log x, तो x log x का इंटीग्रेशन करना है आपको y इक्वल टू x log x, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या है आईलेट, आईलेट क्या होता है इनवर्स फंक्शन, वो लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन है तो यहाँ क्या मान लोगे फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे आप सेकंड, तो क्या होता था आपका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर
अगेन पूरे का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है यहां पर, लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड क्या है एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स है तो डी इसका क्या हो जाएगा वन, फिर सेकंड का सॉरी फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स किसका लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स की पावर एन से किया है तो वन प्लस वन टू, तो वन प्लस वन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा यहां से ये एक पावर रह जाएगी, तो देखो यहां पर क्या बचेगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस यहां पर क्या रह गया एक्स अपॉन टू का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू कर दो तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन बाई टू तो पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और ये प्लस का क्या आ जाएगा सी, इसी को अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू और ये टू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उतना हो जाएगा फोर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस का सी, यही क्या आ जाता है आपके पास, ठीक है। थैंक यू। सो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।